कब आएगा वो? आएगा, वो आएगा। वसुंधरा, मुझे महसूस हुआ है वो आ रहा है, वो आ रहा है। बेटा, पापा, बेटे, भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया पापा? प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, बहुत डर लगता है पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। बेटे, भाई, पापा प्लीज, पापा, 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज, पापा प्लीज, पापा, पापा। देखिए, मुझे तो लगता है हमें उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो नयनतारा? तो अपना सगा भतीजा है। हाँ माना उसने कुछ गलतियां की है, और तू फिक्र मत कर, वो सुधर जाएगा। कोई बच्चा नहीं है वो जो सुधर जाएगा, पर अभी ने कौन समझाए। बल्लू, क्या चाचा? बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए थे आपके, सोचा कि आगे मिल लेता हूं आपसे। अरे, ये फिर आ गए हैं लड़ाई झगड़ा करने। मैं अभी भी अपने फैसले पे अटल हूँ, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। देख बेटा, तू मेरे भाई साहब का बेटा है, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की, वरना वरना क्या क्या करेगा तू? तमीज से बात कर बल्लो। क्या तमीज से बात कर, हैं? क्या करेगा तू? बात करी मेरी जूती। हेलो हेलो, प्लीज मदद करो, ये बल्लू यहाँ फिर आ गया गुंडे लेके। बहुत बोलता है, ये ले। से, चाची तूने अच्छा नहीं किया पुलिस को बुला के, समझी? मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, चल जल्दी निकल। पुलिस, इन्हें प्लीज जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए, जल्दी कीजिए प्लीज। दक्ष जल्दी आओ ना, देखो तुम्हारी फेवरेट जगह है, चलो अंदर चलते। ये वाला देखो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट कलर। और इनफैक्ट, हाँ दक्ष, इनफैक्ट इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, इनफैक्ट इस ब्लू वन, ये तुम पे बहुत, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। कैसे हो सकता है? बदतमीज, किसने लगाई है तस्वीर वहां? एक्सक्यूज मी, अरे
जानते हो तस्वीर किसकी है? जानते हो? अरे नुमाइश पे लगा दिया तुमने इसको। आप क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सबको अंदर करवा दूंगा। मैं मजाक बना के रखा हुआ है क्या तुम लोगों ने? अरे नुमाइश लगा रखी है उसकी। सर प्लीज देखिए, ये भी बाकी चीजों की तरह सेल के लिए आई है। बाय द वे, इस पेंटिंग से आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ? जानते हैं वो पेंटिंग किसकी है? वो मेरी 9 साल की बेटी समारा की है। छह महीने पहले ये हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। हर रोज सपनों में पुकारती है मुझे। मेरे लिए सबसे अनमोल थी और आप लोगों ने उसको सेल पे चढ़ा दिया। I'm sorry sir, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। आप चाहें तो मैं उस आर्टिस्ट का एड्रेस दे सकता हूँ। बहुत थोड़ा टाइम और चाहिए, बस थोड़ा सा। अरे पुलिस, अरे पुलिस क्या, पुलिस बल्लू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे पैसा मिलेगा ना? हाँ हाँ। ये चाचा चाची सांप की तरह कुंडली मारकर हवेली पे बैठे। अरे क्या करूं यार मैं। देख सुन, थोड़ा टाइम और दे, काम हो जाएगा। बल्लो। अरे दिलावर भाई। लौंडा है मेरा तो, बहुत भरोसा करता है तेरे पे, इसीलिए इतने दिन इधर रहने को दिया तेरे को। शुक्रिया दिलावर भाई। बीच में मत बोला कर, बात पूरी सुना कर। वो जो क्लाइंट है ना, उसका ऑफर पकड़ ले, फायदा है तेरा। वसुंधरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की वो तस्वीर बनाने की और उसे इस तरह मार्केट में बेचने की? जवाब दो मुझे। और वो तस्वीर तुमने बनाई कैसे? कहां मिली थी तुम समारा से? तुम्हारी बेटी ने मुझे संपर्क किया है। क्या समारा? शायद तुम्हें पता नहीं, समारा 6 महीने पहले 6 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, समारा की आत्मा अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच में लटकी हुई है। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बेटी बहुत कष्ट में, जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो उसे दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। मिलना चाहोगे अपनी बेटी से? आओ समारा, आओ, आओ। रही तुम्हारी बेटी समारा। पापा, पापा प्लीज बचा लो मुझे। बेटा समारा, पापा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत कर बेटा। पापा प्लीज, पापा बचा लो, मुक्ति दिला दो पापा प्लीज। तू चिंता मत कर बेटा, मुक्ति दिला दो मुझे पापा, मुक्ति चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होने देंगे बेटा। पापा, पापा बचा लो। नहीं। बचा लो पापा। नहीं। पापा बचा लो। नहीं। वसुंधरा, मैं समारा के लिए क्या कर सकता हूं? ये संदेश है समारा का। चाय लाने में आज फिर देर होगी। कहीं
फिर से मुंह पे फाइल ना मार दे, पर चाय का टाइम हुआ तो देनी पड़ेगा। भगवान मदद करना। साहब चाय, साहब सो गए क्या? परितोष जी की गिनती शहर के सबसे बड़े वकीलों में होती थी। वो रोजाना रात में स्टडी रूम में बैठकर अपना काम किया करते थे। चाय पीने की उनकी आदत थी, इसीलिए रोज की तरह आज भी जब मैं चाय लेकर के आया तो साहब को इस हालत में पाया। सर, ये खिड़की बाहर गार्डन में खुलती है और सामने कलवरी रोड है। मुमकिन है कि कातिल ने आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया हो। मयंक, मुझे क्राइम सीन से सारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। बाद में कलवरी रोड और गार्डन का मुआयना भी करना। सर, तुम यहां 15 साल से नौकरी कर रहे हो जी, तुम्हें अंदाजा होगा साहब इसमें क्या रखते थे। साहब इसमें कोर्ट केस के पेपर और कुछ फाइल वगैरह रखते थे। कत्ल और चोरी जिस रात हुई उस रात रोज की तरह पारितोष जी अपनी स्टडी रूम में बैठे थे। इसमें ऐसी कौन सी कीमती चीज होगी जिसके कारण पारितोष जी का कत्ल हुआ? सर, ये देखिए, कातिल अपने निशान इनके नाखूनों में छोड़ गया है सर। मांस के टुकड़े और खून के धब्बे हैं सर। इससे यही जाहिर होता है कि इनके और कातिल के बीच में हाथापाई हुई थी और मरने से पहले भी इन्होंने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। शौर्य, इनके सारे क्लाइंट्स को बुला लो, उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स मैच करो। श्योर सर। 3 बज गए, दक्ष फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? ओह गॉड, कहां रह गए? दक्ष, दक्ष कहां थे तुम? इतना लेट क्यों कर दिया? दक्ष, एक खून के निशान। रिलैक्स, मैं किलबरी रोड तक गया था, वहां छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तुम्हारा? खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक चौंका देने वाली बात बताता हूं। क्या? मैं समारा से मिला। क्या? मैंने उससे बात भी की। वो कह रही थी कि बहुत दुखी है, उसे बहुत दर्द है और उसे हमारी बहुत याद भी आती है। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये समारा ने भेजा है वसुंधरा के जरिए। दक्ष, तुम क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाहते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे ये समारा का मैसेज है, मुझे उससे मुक्ति दिलानी है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो आपको वापस बुलाया जाएगा। फिर से? जी हाँ, और आपको आना होगा। नो कमिटमेंट्स। सर, आज के कार्यक्रम में 2 लोग नहीं आए हाजिरी लगाने को। वो कोई मिस्टर अनुज और उसकी बीवी है नयन तारा करके, वो 2 लोग। फोन भी किया था उन लोगों, लेकिन मुझे तबीयत खराब है इसके लिए नहीं है। आप लोग जा सकते हैं सर। ठीक है। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी आ गई सर। मौका वारदात पर जो ब्लड और फ्लैश के सैंपल्स मिले थे उससे पता चला है कि कातिल तकरीबन 35 साल का था, और आज जितने भी लोगों को हमने यहाँ बुलाया है कोई भी 35 या 35 के आसपास का भी नहीं है सर। इसका मतलब यह है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे। हो सकता है अगले पड़ाव पर हमें कोई अहम सुराग मिल जाए। शुक्रिया।
आप तो देख ही सकते हैं ना, अब ऐसी हालत में मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन कैसे आ सकते थे। वैसे एडवोकेट परितोष के कत्ल के बारे में आपकी क्या राय, किस पर शक है आपको? वही जिसने इनकी ये हालत बना दी है। जी मेरा भतीजा बल्लू, वो हमारी ये हवेली हड़पना चाहता है। लेकिन एडवोकेट परितोष को मारकर बल्लू को क्या हासिल होगा? क्योंकि इस हवेली के कागज उस एडवोकेट के पास ही हैं। बल्लू की उम्र क्या है बताई आपने? करीबन 35 साल। फोरेंसिक के हिसाब से भी कातिल की उम्र तकरीबन 35 साल ही थी। बल्लू रहता कहाँ है? उसका कुछ अता पता नहीं है, बस ऐसी छोटी मोटी बदमाशियां करके गायब हो जाता है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? नाम बल्लू, उम्र तकरीबन 35 साल। अपने क्रिमिनल डेटाबेस से इसके फिंगरप्रिंट चेक करवाओ। जून 2009 में ये जेल गया था और दिसंबर 2011 में इसके खिलाफ एक रॉबरी का केस दर्ज हुआ था। मेक इट क्विक। सर मेरे पति अचानक से गायब हो गए। नहीं कोई टेंशन नहीं लेने का मैडम, क्या है ना अक्सर शादी के बाद ऐसा होता है। अच्छा नहीं क्या हुआ आप बताओ, क्या कुछ देखा आपने, कुछ अजीब सा, कुछ हुएला रिंगा ऐसा कुछ? बहुत अजीब सा हुआ था हमारे साथ। वो उस दिन मैं तुम्हें एक चौंका देने वाली बात बताता हूँ। क्या? मैं समारा से मिला। क्या? उस दिन घर पर आए तो ऐसा लग रहा था किसी से लड़कर आए। मैंने पूछा तो कहने लगे कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, और भी कहने लगे कि समारा की आत्मा को मुक्ति दिला कर रहूंगा। फिर आज सुबह से गायब है। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपके हस्बैंड का कोई फोटोग्राफ या कोई आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ, उनका फोटो और पैन कार्ड। कमाल है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वास में फंस जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप घबरने का नहीं। ये लपड़ा करने का था भी, जब आपका हस्बैंड वापस आया तो किधर से लौट के आ रहा था? वो मैं किलबरी रोड तक गया था, वहां छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। किलबरी रोड। अच्छा आप जा सकती हैं, आपके हस्बैंड के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो आपको इत्तला कर दिया जाएगा। लेकिन सर कल रात जब गार्डन एरिया और किलबरी रोड के आसपास लोगों से पूछताछ की तो किसी ने भी एक्सीडेंट का जिक्र नहीं किया। और सर जितने भी क्लाइंट्स अपने फिंगरप्रिंट्स देने आए थे उनमें से कोई किलबरी रोड के आसपास भी नहीं गया। अजीब इत्तेफाक है, किलबरी रोड पर ही परितोष का कत्ल हुआ और उसी रोड पर दक्ष का भी झगड़ा होता है। अरे अपनी लाइन में इत्तेफाक और अश्वाक नहीं होते। सर देखो डिटेल साफ है, इसमें लिखे है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1977, मतलब कि युवा 35 साल का, जो अपने को पता चला फोरेंसिक की रिपोर्ट से। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये दक्ष और पारितोष है ना, ये दोनों के बीच में झोल झपाटा है बस। कमाल है सर, अब तक हमारा शक बल्लू पर जा रहा था लेकिन अब शक की सुई सीधा दक्ष की ओर जा रही है। एग्जैक्टली, अब इस केस में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, दक्ष या बल्लू। कवि तुम बल्लू की खबर लो और तुम दक्ष की कुंडली निकालो। अबे तूने बताया नहीं कि तू दिलावर भाई से क्यों मिलना चाहता है? अरे भाई जब मैं छोटा था ना इतना सा, तब से मेरा सपना है बच्चे लोग के साथ शाहरुख सलमान तेंदुलकर सब बनना चाहते हैं, अपुन बनना चाहते थे दिलावर भाई। ये रहा दिलावर भाई का अड्डा। क्या बात कर रहा है सही में? तूने ना अपना सपना पूरा कर दिया है, सही अपनी लाइफ सेट है अभी। हाँ ठीक है चल अंदर आ। दिलावर भाई। राम राम सरकार। भाई लागे दिलावर भाई। ए कौन है? बता ही नहीं छोकरे लोग ने। अरे क्या यार अपुन बता दे, वो जिस समंदर की आप बड़ी शार्क मछली है ना, अपुन उधर का छोटा सा बूम मिले। अपने बाप के साथ तैरना है तैरना है तैरना है। टीम में शामिल होने का गैंग में आप? ससुराल गया कभी? बहुत टाइम गए थे भाई, दीवार को तोड़ के भागे ले भी। जुबान बहुत लंबी है तेरी, अब देखता हूं कि जिगरा कितना है।
भाई जिगरा अपना ऐसा है ना कि अब बड़े से बड़े भाई की बजा दे। देख अगर तू अपुन के इन दो लौंडू से बच गया ना तू अपुन की गैंग में शामिल, नहीं तो तू जानता तेरा। बस इतनी सी बात, अपने गुलाब कुछ जास्ती मांगी वादा नहीं भाई। आशीर्वाद दो अपुन सटकू है इसके लिए। दिया लिया। लोग भी लो रे। Hey! क्या तुमने कभी किसी के साथ डांस किया? हाँ किया। तो करो। काम के टाइम पे नौ मस्ते। शाबाश शाबाश। क्या नाम बोला था तू? डग्गू 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 बोले तो फुल टू इंप्रेस। आज से तू अपुन का लौंडा और ये वादा अगली सुपारी मैं तेरे को देगा। ए पाई लगो आज पाई लगे। ड्रामा कॉमेडी एक्शन फाइटिंग सब कुछ कर लिए लेकिन ये बल्लू अभी तक आया क्यों नहीं? ए दिलावर भाई मेरी तरफ सब रेडी है, आपकी तैयारी पूरी है? अपन रेडी है, चलें फिर। चलो।